commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. नमस्कार, मैं कमलेश कुमावत, मैं चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैंने अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 653 रैंक सिक्योर की है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स से रहा है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया था और इस वीडियो के माध्यम से मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को कैसे प्रिपेयर करें उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे इस अटेम्प्ट में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में 272 मार्क्स आए थे, उसमें से पेपर वन में 143 और पेपर टू में आई गोट 129 मार्क्स एंड देर आर फ्यू स्टेजेस इन विच आई विल बी टेलिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो फर्स्ट स्टेज में आप पहले सिलेबस को देखें कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक लिखे हुए हैं, पूरा पेपर वन एंड पेपर टू के सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। सेकंड स्टेज में जैसा कि आप अगर आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी चूज करते हैं तो आपने या तो सीए किया होगा या बीकॉम सीएस सीएमए कुछ न कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड रहा होगा, मतलब आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज टॉपिक्स तो है ही। तो बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन आई विल सजेस्ट दैट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रिसेंट ईयर का हो उसको एक बार पहले देखें और फिर अपनी प्रिपरेशन के बारे में एनालाइज करें। तो जब आप एक किसी साल का क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप अपने एनालाइज करें कि आपको कितनी एक्सटेंट तक थ्योरी पढ़नी है, कितने एक्सटेंट तक प्रैक्टिकल करने हैं और क्या क्या डेप्थ होगी उनको उस सिलेबस को कवर करने की। ये सब आप पहले से ही एनालाइज करें और फिर आप प्रिपरेशन में आए। तो सबसे जो पहला होगा उसमें क्या होगा कि आप हम पेपर वाइज ले लेते हैं, पेपर वन जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आती है और पेपर टू जिसमें थ्योरी आती है। तो सबसे पहले पेपर वन का देखते हैं। पेपर वन में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे इक्वल एम्फेसिस करना होता है क्योंकि जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा क्वेश्चंस का उसमें कहीं ना कहीं 110 से 130 नंबर के प्रैक्टिकल करने होंगे और बाकी के थ्योरी करनी होगी। इसका मतलब आपको दोनों पर इक्वल एम्फेसिस देना है। तो उसके लिए आप सिलेबस उठाएं और सिलेबस को टॉपिक वाइज प्रिपेयर करें। टॉपिक वाइज इन द सेंस कि आप जैसे अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेते हैं तो उसका कोई एक अच्छा सा सोर्स देखें। जैसे मैंने आईपीसीसी के पुराने स्टडी मटेरियल से किया था, आप लोग आईपीसीसी का मटेरियल उठा सकते हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीकॉम की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक आती है वो उठा सकते हो। ऐसे करके आप हर एक सब्जेक्ट का पेपर वन में जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट है उनका एक एक सोर्स डिसाइड कर लें और उस सोर्स को डिसाइड करने के बाद आप उसके अंदर स्टडी करें। और जो पेपर वन की प्रैक्टिकल की स्टडी है उसको मैं तीन स्टेजेस में बताना चाहूँगा कि तीन स्टेजेस में करें। पहले में आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, उसके क्वेश्चंस करें। सेकंड स्टेज में आप उनकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस के साथ साथ आप उन गलतियों को भी लिखें जो आपने सेकंड बार में करी, जैसे कि कोई एडजस्टमेंट आपसे छूट गया या फिर गलत एडजस्टमेंट कर दिया। तो आप टॉपिक वाइज उन गलतियों को लिखते जाएं कि इस क्वेश्चन में इस टॉपिक में ये गलती हुई मेरे से और ये एडजस्टमेंट छूट गया। ऐसे करके आप हर एक टॉपिक पे आपकी गलतियों को लिख लेंगे। थर्ड स्टेज में आप एक बार उन गलतियों को पहले से पढ़ लें और फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ऐसे करके आपकी प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने की अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस दोनों बहुत अच्छी हो जाएगी। और
उसके बाद आते हैं हम थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज में क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा और गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेज में क्या करना है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को जो भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, जैसे अमालगमेशन का हो गया या फिर फाइनल अकाउंट का हो गया, प्रोसेस अकाउंट के हो गए, ये जो टॉपिक्स होते हैं ये रिवार्डिंग टॉपिक है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो उन टॉपिक में क्या करना है, आपको पूरा जो प्रोसेस है वो एक पेपर पर लिख लेना है और फिर उसको प्रोसेस को पढ़ना है, ताकि आप इन टाइम कंज्यूमिंग या रिवार्डिंग क्वेश्चंस को टाइमली और अच्छे से प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज अटेम्प्ट कर सको। तो ये तो रहा पेपर वन में प्रैक्टिकल का। पेपर टू की थ्योरी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस थ्योरी को अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ ही साथ पढ़ते जाएं और उसी हिसाब से तैयारी करें और अपने नोट्स बनाएं। टॉपिक सिलेबस से उठाने और सोर्सेज आपके मोस्टली जो प्रैक्टिकल के लिए रेफर किए हैं वही रहेंगे। किसी किसी टॉपिक के लिए हो सकता है आपको उस बुक में से या सोर्स में से उसका मटेरियल नहीं मिले, उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे टॉपिक गूगल किए थे, जैसे मुझे स्वेट इक्विटी का कहीं अच्छे से नहीं मिल रहा था तो मैंने उसको गूगल कर लिया, और डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे मटीरियल में थ्योरी के लिए अच्छा नहीं मिल रहा था तो मैंने उनको गूगल करके निकाल लिया था। तो थ्योरी के जो क्वेश्चन होते हैं पेपर वन में, उनमें आप सिलेबस को अच्छे से देखें और उस सिलेबस के जो जो भी थ्योरी के टॉपिक्स है उनके साथ ही उनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे देखें कि क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चन पूछने का, और उस पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी करें, उसी पैटर्न के हिसाब से नोट्स बनाने हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करीबन 2001 से एनालाइज किए थे और उन्हीं एनालिसिस के बेसिस पे कि इस क्वेश्चन इस टॉपिक की फ्रीक्वेंसी इतनी है और इस टॉपिक की फ्रीक्वेंसी इतनी है, और इसी हिसाब से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। तो थ्योरी के नोट्स अपने सोर्स से बना लें, जो भी सोर्स आपने पिक किया है। और थ्योरी में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप थ्योरी की आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करें। मेरे इस अटेम्प्ट में 143 मार्क्स आए, उसमें से मैंने 2 15-15 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया, अदरवाइज आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स। सो आप ये गलती ना करें, थ्योरी के क्वेश्चन को टाइमली और अच्छे से अटेम्प्ट करने की पहले से कोशिश करनी है। ये हो गया हमारा पेपर वन, और अब आते हैं पेपर टू पर। तो पेपर टू में क्या करना है कि आपको पेपर टू में भी वही सबसे पहले सिलेबस उठाना है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इन चारों टॉपिक के बारे में थोड़ा समझ ले पहले से ही कि ये टॉपिक किसके बारे में बात करते हैं, क्या इनका इसेंस है। ये इसेंस जान लोगे तो आपको इन टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी रहेगी, और उसके बाद आप टॉपिक वाइज अपना अपना सोर्स पकड़ें। जैसे मैंने रैंकर्स के थ्योरी के मटेरियल लिए थे चारों पेपर के लिए, और बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ था उन्होंने, कुछ कुछ टॉपिक नहीं मिले उनको मैंने गूगल किया था। तो ऐसे आप किसी भी एक अच्छा सा, कोई भी अच्छा सा एक सोर्स उठा लें और उस सोर्स की थोरो रीडिंग करें। थोरो रीडिंग करने के बाद आपको उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी तो आप अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछ के इनडायरेक्टली पूछे तो भी अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेज में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, सेकेंड स्टेज में थोड़ा मगिंग अप भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको टाइम फ्रेम में ही आंसर करना होता है, गिवन टाइम फ्रेम में आंसर करना होता है। तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अच्छे से कुछ कुछ, जैसे टेक्निकल डेफिनेशन हो गई या फिर कोई कोट हो गया किसी थिंकर का, तो इनको अच्छे से याद भी करना है, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर याद करते हैं तो ही अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो
ऐसे करके सेकंड स्टडी में आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से याद भी कर लेना है। थर्ड जब आएगा तो आपको प्रैक्टिस करनी है, थर्ड फेज में रिवीजन के साथ साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन पेपर, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसमें आपको आप या तो टॉपिक वाइज जा सकते हो या फिर ईयर वाइज जा सकते हो। अगर आपको रेंडम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप पेपर वाइज ईयर वाइज पेपर उठा के उनके आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके साथ ही आपको इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन भी करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो कि जैसे अगर हम पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में हर एक टॉपिक को गूगल सर्च करके उससे रिलेटेड कोई डायग्राम उठा सकते हो, कोई ग्राफ उठा सकते हो। अगर वो टॉपिक प्रोसेस वाला है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड प्रोसेस क्या होगी उसका अच्छा सा स्ट्रक्चर बना सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरा कोट्स भी आप लिख सकते हो एज ए वैल्यू एडिशन। वो कोट मैंने रैंकर्स के मटेरियल से उठाए थे, आरएस अग्रवाल सर ने एक कोट की लिस्ट दी थी, तो उस लिस्ट में से बहुत सारे कोट जो मुझे आसानी से याद रह सके वो कोट मैंने उठाए थे और उनको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। और थर्ड जो हो सकता है वो करंट अफेयर्स से टॉपिक रिलेटेड एग्जाम्पल्स उठाने हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा पहले ही एक्सरसाइज किया था कि या तो अगर मुझे याद है तो वो लिख लिए, अगर याद नहीं है तो मैंने गूगल किया कि कोई कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड रेलेवेंट एंड रिसेंट एग्जांपल्स हैं, तो उनकी एक लिस्ट बना ली थी कि ये एग्जांपल्स मुझे बाय हार्ट करने हैं और जहाँ भी मौका मिले मुझे इन एग्जांपल्स को रिप्रोड्यूस करना है। तो ऐसे करके मैंने उसमें वैल्यू एडिशन का काम किया था। तो पेपर वन में जैसे अगर FMA फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ग्राफ एसोसिएट कर सकते हैं या फिर रेलेवेंट एग्जांपल एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर रिलायंस और किसी का अभी रिसेंटली मर्जर हुआ था तो वो मर्जर कोट कर सकते हैं मर्जर के एग्जांपल में। अगर लिक्विडेशन वाला क्वेश्चन है तो लिक्विडेट जैसे अभी बहुत सारे IBC में लिक्विडेट हुई थी कंपनीज, उनका एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाला क्वेश्चन हो तो उसमें अगर सेबी का कोई रिसेंट स्टेप हो या फिर किसी कंपनी ने बायबैक किया हो, बोनस इश्यू किया हो, वो एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं। और सिमिलरली जो शेयर इश्यू वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी हम ग्राफ एसोसिएट कर सकते हैं कि कैसे प्री इश्यू, पोस्ट इश्यू, प्री बायबैक, पोस्ट बायबैक क्या पर वैल्यू इम्पैक्ट रहेगा उसका, भले ही नहीं पूछा हो फिर भी उसको एज ए वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं। तो ऐसे करके हर एक टॉपिक के साथ हमें वैल्यू एडिशन करना है। जब ये सब हो जाएगा तो फाइनल चीज़ें जो रहेगी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए वो प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप एटलीस्ट प्री और मेंस के बीच में एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवाइज करें। अगर आप और ज़्यादा रिवाइज कर पाते हैं मटेरियल को तो हो सकता है आपके और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन इतना तो करना ही चाहिए ताकि आप एक डिसेंट स्कोर कर सकें। तो इन द एंड मैं ये बोलना चाहूँगा सभी नए एस्पिरेंट और एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट को कि इट डजेंट मैटर वेदर यू आर अ CA और यू आर नॉट अ CA। अगर आप सिंपल BCOM हैं या फिर CS हैं या फिर CA हैं, भले ही रैंक होल्डर CA हो, आपको मेहनत इक्वल अमाउंट में करनी पड़ेगी और उसका इम्पैक्ट भी आपको इक्वली ही मिलेगा। तो मेरा सभी से यही मैसेज है कि अपने स्टेटस से फ्राइटन ना हो और मेहनत करें। मेहनत करोगे तो इजीली आप स्कोर कर सकते हो। और मैं अब सभी फेलो एस्पिरेंट को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। फेलो एस्पिरेंट को ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से तैयारी करें और सक्सेसफुल हों।